लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, ताजी खबरों के साथ मैं अनुष्मिता शुरू करती हूँ लाइव दोपहर का बुलेटिन। आगामी 21 तारीख को राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दक्षिण दिनाजपुर के गंगा रामपुर के दौरे पर जाने वाली है। हालांकि पहले उनकी दौरे की तारीख 20 को तय हुई थी। मुख्यमंत्री 21 तारीख को गंगा रामपुर स्टेडियम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसके बाद वो रायगंज सफर पर जाएंगी। वहीं दक्षिण दिनाजपुर में मुख्यमंत्री के सभा को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। शुक्रवार को जिला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सभा स्थल का निरीक्षण किया। এখানে যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি, তিনি আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে এই স্টেডিয়াম গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে তিনি আসছেন 21 তারিখে। সেই কারণে এখানে এটা যেহেতু প্রশাসনিক সভা, সেই কারণে প্রশাসনিক সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে করা হচ্ছে। दक्षिण दिनाजपुर में एक 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि छात्रा जिस समय अपने पालतू जानवर को घास खिलाने ले गई, उस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि छात्रा वहां से भाग निकलने में सफल रही और बाद में उसके परिजन द्वारा थाने में अभियुक्त युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दक्षिण दिनाजपुर में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम मोस्कातीन मंडल बताया जा रहा है। ये घटना गंगारामपुर थाना अंतर्गत मोहनपुर में घटी। जानकारी के अनुसार पीड़िता और अभियुक्त युवक दोनों ही एक ही गाँव के रहने वाले हैं। छात्रा अपने रिश्तेदार के घर में रहती है। जब पीड़िता सुबह अपने पालतू जानवर को घास खिलाने जा रही थी, उसी दौरान अभियुक्त ने उसे खींचकर पास के सरसों के खेत में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि छात्रा किसी तरह भाग निकली और अपने मामा को इसकी जानकारी दी। तुरंत छात्रा को अस्पताल ले जाया गया। वही शुक्रवार को जब पीड़िता के मामा गंगारामपुर थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराने गया, तो पुलिस ने मामले को पहले टाल दिया। बाद में स्थानीय नेता के बोलने पर पुलिस ने मामला लिया और अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। আমার ভাগ্নের সঙ্গে গিয়েছিলাম, ছিলাম না ওই সঙ্গে, আমি ধান লাগাতে গেছিলাম। ওখানে আমার ছেলে যায় বলে যে আমার দিদিকে রেপ হয়েছে। তখন মাঠ থেকে ছুটে আসে, দেখি বাড়িতে আমার মেয়ে কাঁদছিল, আমার ভাগ্নিটা কাঁদছিল। তখন ওদের বাড়িতে গেলাম, ছেলেটার বাড়িতে গিয়ে দেখি কেউ নাই, ওরা দিদিরা ছিল। ওখান থেকে ঘুরে আসে, আমরা সোজা হসপিটালে আসি। হসপিটালে বলে যে তুমি ইয়াতে যাও, থানাতে যাও। থানায় আসি, থানায় আসে ও বলে এগুলো ঘটনা শুনে হাসি হোক। আজকে আমার মেয়েকে এরকম করলো, কার দুদিন পর যে করবে না। আমি মাঠে গেছিলাম জল খাওয়াতে, তখন বললো যে দিবি, আমি আমি কিছু বলিনি, আমি চলে আসছিলাম। তখন বললো যে তো তোমার কি চুলকায় না, তোমার বাড়িতে পাঠা আছে, সেই জন্য বললে পাঠাই তো তোমাকে গোতায়, তো তুমি তোমার কি আবার চুলকাবে। তখন আমি বললাম জারুয়া তোমার মা বোন নেই বলে দৌড়াচ্ছিলাম, তুমি পিছন দিক থেকে এসে দৌড়েছে আর আমাকে দর্শন করার চেষ্টা করেছিল, আমি ঝিটকে পিটকে তখন পালাই বাড়িতে। राज्य का आम अब आम से खास बनेगा, क्योंकि अब मालदा के आम को यूरोप में एक्सपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को मालदा में प्रशासनिक भवन में एक चर्चा सभा का आयोजन किया गया, जहां इससे जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। मालदा की अमूल्य संपत्ति आम अब भारत छोड़ विदेशों में भी अपनी स्वाद सबको चखाएगी। इसी के तहत मालदा के आम को विदेशों में निर्यात करने के लिए शुक्रवार मालदा के जिला प्रशासनिक भवन में एक सभा का आयोजन किया गया। এখানে আপনার তোমাতে এক্সপোর্টার আছে, তারপরে ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো অ্যাসোসিয়েশন থেকে আছে, আমাদের চাষিভাইরা আছে, অফিসাররা আছে। তা আমরা আজকে মিটিং করছি যাতে মালদার আমটাকে আমরা বিদেশে পাঠাতে পারি, চাষি ভাইদের যাতে বেশি করে তারা ম্যাঙ্গো দাম পেতে পারে। সেটার জন্য কী কী রিকোয়ারমেন্ট আছে, ম্যাঙ্গো বাইরে পাঠাতে গেলে আমাদের কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, এটা আজকে আমরা আলোচনা করছি। इस बैठक में कई प्रजाति के आम के बारे में चर्चा की गई। इस चर्चा सभा में जिले के आम व्यवसायी एसोसिएशन और टेक्नीशियन अधिकारी के साथ साथ आम के किसान भी मौजूद थे। साथ ही अतिरिक्त जिला शासक पदम सुमन, जिले के कृषि अधिकारी आदि भी शामिल थे। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে মালদার আম বহির্বিশ্বে এক্সপোর্ট করার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ মতো মালদা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক, মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স, ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্রেশ ফুডস অ্যান্ড ভেজিটেবলস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
মালদা জেলার ম্যাঙ্গো গ্রোয়ার সবকে নিয়ে আমরা এক্সপোর্ট প্রমোশনের জন্য একটা মিটিং করলাম এবং মালদার যে বিভিন্ন ভ্যারাইটিগুলো আছে সেই ভ্যারাইটিগুলো আমরা বিভিন্ন কান্ট্রিতে ফার্স্ট কান্ট্রিগুলোতে এক্সপোর্ট করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি এবং কীভাবে এক্সপোর্ট করা যায় এবং যারা কলকাতা থেকে এসেছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে আমরা প্ল্যান অফ অ্যাকশন তৈরি করছি। আইয়ে দেখ লেতে হ্যায় বঙ্গাল সে জুড়ি কুছ অন্য বড়ি খবরে। शुक्रवार से आसनसोल स्टेडियम में युवा शिल्पी संसद के तत्वाधान में 37वीं बुक फेयर की शुरुआत हुई। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने दीप प्रज्वलित करते हुए इसका उद्घाटन किया। इस दिन इस मंच के जरिए आसनसोल के सभी मेधावी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कोलकाता बुक फेयर के बाद आसनसोल बुक फेयर ही राज्य के दूसरे बड़े बुक फेयर है। इस बुक फेयर में बांग्ला के साथ साथ हिंदी भाषा में लिखे किताबें भी प्रदर्शनी में शामिल है। এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে আমরা আসানসোলে যারা বসবাস করি আসানসোলে বাইরের মানুষের সঙ্গে যখন আমরা কথা বলি সবসময় আমাদের মনে ইচ্ছে থাকে যে আসানসোলে নিয়ে গর্ব করার মতো অনেক কিছু বলব। আসানসোল বুক ফেয়ার ইজ ওয়ান অফ দেম। उत्तर 24 परगना के तिरहट्टो गांव में एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को घर के सामने स्थित चाय की दुकान में शासन ग्राम पंचायत के अंचल समिति के सदस्य अब्दुल समद बैठे हुए थे। उसी दौरान 6 से 7 की संख्या में आए बदमाशों ने अब्दुल समद पर हमला बोल दिया। पहले बदमाशों ने चाय की दुकान पर 3-4 बम फेंके और बाद में धारदार हथियार से अब्दुल पर वार किया जिससे अब्दुल समाद की मौत हो गई। वहीं अपने पिता को बचाने आए अब्दुल समाद के बेटे पर भी हमलावरों ने धावा बोल दिया। आज के 9 मास झमेला तरह कि हलो नेतारा मिटिए दिए बाड़ी तुले दिए बड़ो तो ये बड़ो हे तुम जनसभा नेतारा सब एक जैसे मीमांसा बाड़ी तुले दिए जे जानी पर भलो भिवे घूरे बेड़ा इस घटना में गंभीर रूप से घायल अब्दुल समाद के बेटे को आशंकाजनक स्थिति में बारासात जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2009 ने प्रथम एमपी हुई 2010 नूर आली मार्डर हुई तक वामफ्रंटर जमाना छो तरपर थे 11 परिवर्तन पर एक विशाल शांति परिवेश तैयारी এবং এই নেতৃত্বের সঙ্গে 5 বছর কাজ করেছি, আমরা একসঙ্গেই করেছি, এখনও করছি। জেলা পরিষদ আছে, ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, শহীদুল ভারত অনেক পুরনো দিনের লড়াকু লিডার। এটা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা। সামাদ আমাদের দলের একটা কর্মী নিশ্চয়ই, সে আমি অস্বীকার করছি আমরা। এবং এটা যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা একটা একদম সম্পূর্ণ একটা অন্য কারণে দেনালে না, এই মানে নিজের এলাকা কর্তৃত্ব রাখার জন্য। इस घटना के बाद ये बताया जा रहा है कि पिछले 9 महीने पहले मृतक को घोटाले के आरोप में गांव से बहिष्कृत कर दिया गया था और अभी कुछ दिनों पहले ही वह गांव लौटा था। ये भी बताया जा रहा है कि गांव पर दखल को लेकर मृतक और उसके भतीजे मोतालेप मुल्ला के बीच विवाद चल रहा था। घटना के बाद हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए करीब 4 घंटे तक गाँव वासियों ने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह गांववासियों के विरोध को शांत करवाया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव कोलकाता। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।